हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुश फैक्टर्स क्या होते हैं और पुल फैक्टर्स क्या होते हैं माइग्रेशन के कंटेक्स्ट में। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जब हम बात करते हैं पुश फैक्टर्स की, तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको फोर्स करते हैं कि जो आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ है, आप उसको छोड़ सको। और पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप अपनी कंट्री छोड़ के, अपना एरिया छोड़ के, अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंट छोड़ के यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको पुल फैक्टर्स कहते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसके चलते हम इसको इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं पुश फैक्टर का एक एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट। जिस कंट्री में, जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो ये कैसा फैक्टर? ये पुश फैक्टर होगा। ये आपको फोर्स करेगा कि आप अपना कंट्री जो है आपको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है आपको। तो इसके विपरीत जो पुल फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको पुल फैक्टर कहेंगे। और इस एग्जांपल में आपने समझा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये कहीं ना कहीं आपको फोर्स करता है कि आप अपना एरिया जो है, अपना कंट्री जो है, उसको छोड़ो। लेकिन उसके विपरीत अगर एक ऐसा एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उसको क्या कहेंगे? उसको पुल फैक्टर कहेंगे। दैट मीन्स कि पुल फैक्टर जो है, ये आपको अट्रैक्ट करता है कि आप यहाँ पे आइए, और पुश फैक्टर आपको पुश करते हैं, धक्का करते हैं कि आप अपना जो कंट्री है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आप सिमिलरली वन बाय वन इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं उसमें नज़र डालते हैं, जैसे कि लैक ऑफ सर्विसेज। तो जिस कंट्री में आप रह रहे हो, वहाँ पे अलग अलग तरीके की मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो आप एक ऐसे कंट्री को रुक करोगे जहाँ पे ये सभी आपको सर्विसेज मिलती है। ठीक है, तो ये लैक ऑफ सर्विसेज होगा, ये पुश फैक्टर होगा, और जहाँ पे बेटर सर्विस प्रोविजंस होंगे वो पुल फैक्टर्स कहलाएंगे। पुअर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जिस कंट्री में आप रह रहे हो, वहाँ पे आपको लगता है कि आपकी कोई सेफ्टी नहीं है। ठीक है, कभी भी कंट्री में वॉर छिड़ सकता है, तो ये पुश फैक्टर होंगे। ये आपको पुश करेंगे कि आप अपनी कंट्री छोड़ कर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है आपकी। और इसके विपरीत पुल फैक्टर्स क्या होंगे? जहाँ पर एक सेफ एटमोसफेयर जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पुल फैक्टर का आपको एग्जांपल देखने को मिला। उसके बाद अगर हम देखें कंसर्न अबाउट द हाई रेट ऑफ क्राइम, तो जिस कंट्री में अगर आप रह रहे हो, वहाँ पे क्राइम रेट जो बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी यहाँ पे टेंशन रहेगी कि हम यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। तो ये पुश फैक्टर है जो कि आपको यहाँ पे पुश करेगा कि आप जहाँ पे रह रहे हो उस कंट्री को, उस एरिया को छोड़ के चले जाओ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पुल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होंगे? जहाँ पे लो क्राइम रेट होगा, जो कि आपको अट्रैक्ट करेगा कि आप अपनी कंट्री छोड़ के हमारे पास आ जाइए। क्रॉप फेलियर, अगेन पुश फैक्टर है। क्रॉप फेलियर, खाने के लिए कुछ है नहीं तो आप अपनी कंट्री छोड़ोगे। तो आप एक ऐसे रीजन का, ऐसे कंट्री का रुख करोगे जहाँ पे काफ़ी फर्टाइल लैंड है। ठीक है, वो पुल फैक्टर कहलाएगा। ड्राउट जो है, ठीक है, ड्राउट, सूखा पड़ गया है, ठीक है, खेती हो ही नहीं रही है, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप अगेन कंट्री अपनी छोड़ोगे। ये जो ड्राउट है, ये पुश फैक्टर कहलाएगा। तो आप एक ऐसी कंट्री की तरफ रुख करना शुरू करोगे जहाँ पे कि बहुत बड़े लेवल पे फूड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको पुल फैक्टर कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे दो चार और पॉइंट्स आप इजीली अपने आप ही इसको डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि फ्लड्स हो गए। तो अगर किसी कंट्री में फ्लड्स अगर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये पुश फैक्टर कहलाएंगे, क्योंकि अगर फ्लड्स आ रहे हैं तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक ऐसे कंट्री की तरफ रुख करना चाहोगे जहाँ पर इस तरीके का जो नेचुरल हैजर्ड्स है, इतने बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो जहाँ पे लेस रिस्क ऑफ नेचुरल हैजर्ड है, उसको पुल फैक्टर कहेंगे। पॉवर्टी, आपके कंट्री में बहुत पॉवर्टी है, ये पुश फैक्टर है, आपको कहेगा कि आप यहाँ से निकलिए, ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पे काफ़ी पैसा हो। ठीक है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर पे अगर वहाँ पे मनी आपको देखने को मिलता है, तो ये पुल फैक्टर कहलाएगा, जो कि आपको अट्रैक्ट करेगा। वॉर हो गया, ठीक है, आपके कंट्री में ऐसा लगता है वॉर छिड़ सकता है, तो आप अपनी कंट्री छोड़ दोगे। अगर आपको ऐसा लगता है किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है, तो आप उस कंट्री को छोड़ दोगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आप उस कंट्री में जाना पसंद करोगे जहाँ पे पॉलिटिकल सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। सिमिलरली आप क्लाइमेट चेंज जो है, उसके कंटेक्स्ट में भी इसको डिफाइन कर सकते हो, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, इस टर्म्स में भी आप डिफाइन कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो वो आपका पुल फैक्टर होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आपका क्लाइमेट कंडीशन जो है इतनी अच्छी नहीं है, तो वो पुश फैक्टर कहलाएंगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपके कंट्री में इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये पुश फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये कंट्री आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर किसी एरिया में आपको देखने को मिल रही है, तो वो पुल फैक्टर कहलाएगा। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।